फिर एक्स रूट अल्फा टी वाई इट इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज माइंड पागलपन, दैट्स वाई आई हैव लिखिंग इट इज डायमेंशनलेस ब्लैक रेंगे। इसमें रूट क्यों नहीं लिए? कहाँ मेरा चप्पल है? गधे, बेवकूफ, नालायक, गिरा हुआ इंसान, बकलोल, गधा, क्या क्या, कितना कितना बुरा बोलू तुम्हें, इसमें रूट क्यों नहीं लिया? मतलब डाउट भी पूछो तो बिना बुद्धि के, डाउट भी पूछते हो तो एकदम बुद्धि रख देते हो। साहू झारखंड, डांस कर लेगा एक्सक्वायर, अगर यहाँ बराबर लिखूंगा तो ए टी बराबर एक्स का एक्सक्वायर, तो टी बराबर एक्स माई, ए बराबर टी वाई, ए बराबर सॉरी एक्स माई टी, एक्सक्वायर एक्सक्वायर एक्सक्वायर। बिना बुद्धि के कैसे तुम पढ़ लेते हो यार? बायोलॉजी पढ़ा कर, तेरे बस का नहीं है फिजिक्स पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ चल। और कहते हो कि बायोलॉजी की बेइज्जती क्यों करते हो? भाई मैं बेइज्जती नहीं करता हूं, तुम लोग बेइज्जती कराते हो खुद का, मैं बेइज्जती नहीं करता हूं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तीनों सवाल सेम है कि डिफरेंट? सेम में ए जवाब देंगे, डिफरेंट में बी जवाब देंगे। हम गधा हैं, हमको नहीं पता, गधा है सी जवाब देंगे। हम बकलोल हैं, डी जवाब देंगे। ठीक है, ए सेम, बी डिफरेंट, सी हम गधा हैं, डी हम बकलोल हैं। सेम है कि डिफरेंट है? 32% लोग कह रहे हैं कि डिफरेंट है। सेम कह रहे हैं 57% लोग, गधे हैं। 8% लोग गधा है इस क्लास में, 8.5% लोग इस क्लास में गधे हैं, 4% के आसपास लोग बकलोल है, मतलब 10-12% लोग तो बस टाइम पास करने आए हैं यहां पर। एक कह रहा है डायमेंशन लेस एनालिसिस से कर पाएंगे। भाई साहब कोई पत्थर उत्थर नहीं, मैं अपना सर फोड़ लेता हूं। डायमेंशन लेस एनालिसिस क्या होता है? ये एप्लीकेबल नहीं है वायर, बहुत जोरदार, मतलब ये आंसर देखने के लिए तुम आदमी तरस जाता है जो तुम जवाब दे रहे हो। तो ये तीनों ही सवाल अलग अलग जगह पे कराया जाता है और 3 बार समझाया जाता है। मैंने तीनों को 1 बार समझा दिया, इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो, गेट इट? वाई फॉर मी, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड मी ऑल्सो। वाई फॉर मी, क्योंकि जो मैं पूरे एक क्लास में पढ़ा सकता था उसको मैंने 10 मिनट में खत्म कर दिया। वाई यू, बिकॉज ये 3 सवाल अलग अलग होंगे लेकिन तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट एक है, एक ही से सॉल्व होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू ऑल्सो, एंड दिस इज द सवाल विच गोइंग टू बी आस्क इन अ प्रीवियस, गोइंग टू आस्क इन अ फ्यूचर एंड आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, यू नो लाइक नीट एंड ऑल, यू नो, देन सॉल्व दिस क्वेश्चन।